प्रियंका गांधी की ओर से किए गए हैं। इस रैली में कुछ महिलाएं पहुंची हैं, आप उनके हाथ में देख सकते हैं, मैं भी प्रियंका लड़की हूँ लड़ सकती हूँ का नारा दिखाई देगा। तो आज हम इन महिलाओं से भी बातचीत करेंगे कि आधी आबादी को लेकर जो वादे दावे किए गए हैं इनको कितना यकीन है और कितने वादे दावों की जानकारी है। क्या नाम है आपका? इशरत जहां। आपका? इशरत जहां। अच्छा, ये आप लेकर पोस्टर बैठी हुई हैं, लड़की हूँ लड़ सकती हूँ, क्या मतलब है इस नारे का? ऐसा कि हम लड़ सकते हैं, संघर्ष कर सकते हैं आपको लेकर, यानी कि आधी आबादी को लेकर बहुत वादे किए गए हैं कि अगर सरकार बनती है प्रियंका गांधी की यानी कि कांग्रेस की, तो आप लोगों को जो वादे किए हैं जिसमें कि आधी आबादी के लिए 40% तक आपको टिकट दिया जाएगा और तमाम चीजें, कितना यकीन है? बहुत यकीन है। कौन कौन से वादों की जानकारी है? बहुत सारे। कौन कौन से वादे किए गए हैं? भाई उन्होंने जो वादा किया है कि हम लोग गरीबी हटाएंगे। क्या हटाएंगे? गरीबी हटाएंगे। अच्छा, नहीं, महिलाओं को लेकर क्या क्या वादे किए गए हैं? महिलाओं को लेकर बहुत सारे वादे किए, जैसे स्कूल में, जैसे स्कूल से फीस कम किया जाएगा, बिजली की बिल कम किया जाएगा और ये पेट्रोल वगैरह कम किया जाएगा, सारी चीजें किया जाएगा। ये तो गरीबी हटाना है। पता है? नहीं, नहीं पता है। कहाँ से आई है? कहाँ से आई है? गोरखपुर से। गोरखपुर से ही है? नहीं, कुछ बताया नहीं। कोई पता नहीं है कहाँ से आई है? गोरखपुर से। तो यहीं की कार्यकर्ता है क्या कांग्रेस की? जी है। हाँ, काम वहीं पे काम करते हैं हम लोग। महिलाओं को लेकर कौन से वादे किए? आप छात्रा हैं, ये बताइए कि कौन कौन से वादे किए गए हैं महिलाओं को लेकर, लड़कियों को लेकर? तो उनके एजुकेशन के लिए बोला गया है और जो भी उनके ऊपर लोन वगैरह वो सब माफ करने के लिए मैम ने बोला गया। स्कूटी को लेकर कोई वादा किया है कि स्कूटी देंगे? हाँ। क्या किया है? स्कूटी देने के लिए मैम बोली। कौन से लड़कियों को स्कूटी दी जाएगी? जो एजुकेटेड है। तो कुछ महिलाएं हैं जिन्हें जानकारी है, लेकिन कुछ महिलाएं ऐसी भी आती हुई दिखाई दी हैं। अक्सर रैलियों में आप ऐसी भीड़ देखते होंगे। आधी आबादी को लेकर, महिलाओं को लेकर बहुत से वादे दावे, जिसमें 40% टिकट दिया जाएगा इस चुनाव में कांग्रेस की ओर से, जिसमें बड़ा वादा कि जो बैचलर्स कर रही हैं उनको स्कूटी दी जाएगी, ट्वेल्थ करने वाली छात्राओं को टैबलेट दिया जाएगा। तो ये तमाम वादे और दावे प्रियंका गांधी की ओर से आगामी चुनाव को लेकर आधी आबादी से किए गए, जिसमें बड़ा नारा लड़की हूँ लड़ सकती हूँ। आप देखना है कि गोरखपुर जब आती हैं तो क्या वादे क्या दावे प्रियंका गांधी इस मंच से करती हैं। कैमरा पर्सन राजेश के साथ सपना शुक्ला, जी मीडिया। सपना हमारे रिपोर्टर तमाम जानकारी के साथ हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। सपना, मैं भी प्रियंका लड़की हूँ लड़ सकती हूँ बैनर के साथ वहां पर भारी संख्या में महिलाएं मौजूद हैं। इस कार्यक्रम को ऐतिहासिक बनाने की पूरी कोशिश कांग्रेस करेगी और कुछ ही देर में प्रियंका गांधी वाड्रा पहुंच रही हैं। सबसे पहले अपडेट दीजिए आप। बिल्कुल, अब बहुत थोड़ा समय बचा है, लगभग 20 मिनट का समय, जब प्रियंका गांधी वाड्रा यहां पहुंच जाएंगी। मंच की तस्वीरें आपको दिखा देती हूं। कुछ बड़े नेता कांग्रेस के पहुंच चुके हैं। कौन कौन है? इमाम इमरान प्रतापगढ़ी को आप देख रहे हैं कि वो भाषण दे रहे हैं, उसके साथ में सुप्रिया को आप देख सकते हैं कि वो भी कांग्रेस की बड़ी नेता है, मंच पर मौजूद है। सलमान खुर्शीद आपको दिखाई देंगे, अखिलेश कुमार आपको दिखाई देंगे। तो मंच पर तमाम बड़े नेता पहुंच चुके हैं। इंतजार प्रियंका गांधी वाड्रा का किया जा रहा है। अब आपको भीड़ की तस्वीर दिखाती हूँ। दावा 1 लाख तक की भीड़ का किया जा रहा था, लगभग 40,000 लोग यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। महिलाओं पर खासा फोकस रखा गया है कि महिलाओं को लेकर लगातार प्रियंका गांधी जो नारा देती रही हैं, लड़की हूँ लड़ सकती हूँ, उसको लेकर वहाँ एक अलग ग्रुप महिलाओं की बनाई गई है, जिनसे मैंने बातचीत भी की, आपने सुना भी कि किस तरीके से कुछ महिलाएं ऐसी भी हैं जो आई हैं, जानकारी नहीं है कि क्या क्या वादे दावे किए गए हैं। उनको इस रैली में बुलाया गया है, टारगेट दिया गया था कि ज्यादा से ज्यादा लोग इकट्ठे होते दिखाई दे। ये भीड़ की तस्वीर है, वो भी आपको दिखा देते हैं कि गोरखपुर जो कि सीएम सिटी है, वहां पर सीट मारने की कोशिश कैसे प्रियंका गांधी वाड्रा करने की कर रही है। आज दो बड़ी चीजें हैं, जहां पर एक तरफ वो आप कटआउट देख रही हैं, इंदिरा गांधी की पुण्यतिथि है जो उनकी दादी है, दूसरा कटआउट आप देख सकते हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल की आज जयंती है, उनका भी कटआउट लगाया गया है। अब देखना यह है कि प्रियंका गांधी वाड्रा अपने भाषण में क्या शामिल करती है, लेकिन उत्साह दिखाने की कोशिश, उत्साह भरने की कोशिश की गई है। महंगाई का मुद्दा इमरान प्रतापगढ़ी की ओर से उठाया गया कि किस तरीके से कांग्रेस अगर कहती है तो वो करके भी दिखाती है। एक चीज और आपको बता दूं, जैसे अखिलेश यादव लगातार गठबंधन की ओर रुख कर रहे हैं, चाहे ओम प्रकाश राजभर हो या छोटे छोटे दलों को अपने साथ ला रहे हैं, कांग्रेस कुछ ऐसा करती दिखाई नहीं दे रही है। जहां पहले कांग्रेस और माफ कीजिएगा राहुल गांधी और अखिलेश यादव एक साथ आए थे, इस बार कुछ ऐसा नहीं है। इस बार अपनी सहयोगी पार्टी जो कभी सहयोगी रही थी उस पर भी निशाना साध रहे। देखिए इमरान प्रतापगढ़ी जो कि शायरी के अंदाज में लगातार निशाना साधते रहते हैं, आज भी कुछ इसी अंदाज में नजर आ रहे हैं। इंतजार प्रियंका गांधी वाड्रा का किया जा रहा है। मंच की तस्वीर साफ तौर पर सपना इस बार देखने को मिल रहा है कि एक्टिवनेस काफी ज्यादा
प्रियंका गांधी वाड्रा की नजर आ रही है इस चुनाव में भी, लखीमपुर की घटना भी हमने देखा, तो एक्टिवनेस बहुत ज्यादा है क्योंकि 53% लोकसभा सीटें पूर्वांचल से हैं, इसलिए योगी मोदी के गढ़ में प्रियंका वाड्रा लगातार सक्रिय नजर आ रही हैं। सियासी माने क्या है सपना प्रियंका के दौरे को लेकर, ये भी हम लगातार बता रहे हैं आपके पास। हम लौटेंगे, कुछ महत्वपूर्ण जानकारी अपने दर्शकों को दे देते हैं क्योंकि अब से कुछ ही देर में प्रियंका गांधी वाड्रा पहुंच रही हैं। छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल भी उनके साथ मौजूद रहने वाले हैं और पूर्वी यूपी में बड़ी संख्या में कुर्बी मतदाता हैं और प्रियंका की रैली को ऐतिहासिक बनाने में तमाम जो कार्यकर्ता जुटे हुए हैं। गोरखपुर के सियासी माने समझिए, जिले में गोरखनाथ मंदिर का प्रभाव काफी ज्यादा है और इसीलिए कोशिश की जा रही है सेंध बांधने की योगी के गढ़ में। सपना लगातार बनी हुई है, सपना जानकारी दीजिए। और एक्टिवनेस में लगातार बता रही थी कि एक्टिवनेस बहुत ज्यादा है चुनाव में प्रियंका गांधी वाड्रा का, साथ साथ सीएम भूपेश बघेल छत्तीसगढ़ के नजर आ रहे हैं, उनकी संलिप्तता और उनका रोल कितना ज्यादा अहम है प्रियंका गांधी वाड्रा के साथ यूपी में, ये भी बताइए। भूपेश बघेल का जिक्र आपने किया, कुर्मी वोटर्स को साधने की कोशिश की जा रही है। जब हम यहाँ प्रतिज्ञा रैली में आ रहे थे या आपको पीछे की हम तस्वीर दिखाएंगे, कुछ विजुअल हमने अपने दर्शकों को दिखाए थे, उसमें भी ये कहा गया कि भूपेश बघेल क्योंकि कुर्मी वोटर्स को साधने में काम आएंगे। साफ साफ उस बोर्ड पर लिखा गया ओबीसी मतदाता क्योंकि भूपेश बघेल को पसंद करते हैं, जो कि हमने छत्तीसगढ़ में देखा है। कुछ ऐसा ही करने की कोशिश की जा रही है उत्तर प्रदेश में। देखिए ओबीसी मतदाता निर्णायक भूमिका में है उत्तर प्रदेश में, लिहाजा चाहे वो अखिलेश यादव हो, चाहे वो बीजेपी हो, चाहे कांग्रेस हो, हर कोई इस वोटर को साधना चाहता है। और भूपेश बघेल आप पार्टी के लिए समझिए कि कितने बड़े चेहरा है। जब छत्तीसगढ़ में सत्ता का सूखा था कांग्रेस के लिए, उस दौरान भी सत्ता में वापसी करते हैं, इसीलिए छत्तीसगढ़ के बाद अब उत्तर प्रदेश में बड़ी जिम्मेदारी दी गई है, ओबीसी वोटर्स को साधने की कोशिश है। आपने जिक्र किया कि आखिर क्यों सीएम सिटी और प्रधानमंत्री के संसदीय क्षेत्र में जाकर लगातार रैली कर रही है। देखिए ये भीड़ वोट में कन्वर्टेड हो पाए या ना हो पाए, लेकिन एक संदेश जरूर देने की कोशिश की। संदेश देने के